नबील, तेरा पर्दा ठीक कर देना, बहुत नींद आ रही है। नबील, ये कहाँ चले गए? लगता है आज फिर अर्जेंट मीटिंग की कॉल आ गई होगी। परफ्यूम है ये, मेरा तो नहीं है। मेरा नहीं है तो ज्यादा मिस कॉल। आपकी किसकी कॉल आ रही है? हेलो अम्मी, आप बिना आवाज सुने ही माँ को पहचान लिया और फिर छोड़कर भी चले जाते हो, क्या कौन करता है माँ के साथ ऐसे? अरे अम्मी, छोड़कर कहाँ गया हूँ, सिर्फ अलग ही तो हुआ हूँ। खैर, आप ये किसके नंबर से मुझे कॉल कर रही है? बेटा, हमारा फोन तो तुम उठाते नहीं हो, पर तुम्हारी आवाज सुनने के लिए मैं किसी भी नंबर से फोन मिला लेती हूँ। अच्छा, पिछले कुछ दिनों से जो मुझे मुख्तलिफ नंबर से कॉल आ रही थी वो आप कर रही हैं। खैर बताइए, खैरियत, कैसे फोन किया आपने? बेटा, इस बार बड़ी हो रही है, उसके रिश्ते के लिए मैं चाह रही थी कि तुम। अरे अम्मी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप रिश्ते देखना शुरू करें, मुझसे जो बन पाएगा मैं करूँगा, आप फिक्र ना करें। अच्छा अम्मी, मुझे मीटिंग के लिए देर हो रही है, मैं चलता हूँ, बाद में बात करता हूँ। बेटा, अम्मी आप क्यों भाई को बार बार कॉल्स करते हैं? ना वो आपके मैसेजेस का रिप्लाई देते हैं, ना कॉल्स रिसीव करते हैं। मैं हूँ ना, क्या करूँ? वालदैन अपनी औलाद के बगैर नहीं रह सकते, औलाद वालदैन के बगैर रह लेती। अम्मी, भाई हमें खुद छोड़ कर गए थे, हमने उन्हें नहीं निकाला था, और कई साल हो गए उन्हें गए। आप क्यों उनके लिए बार बार अफसरदा होती हैं? वो बहुत खुश हैं अपनी जिंदगी में। बेटा, दरख्त फूल से जुदा हो या फूल दरख्त से, फर्क दरख्त को पड़ता है। फूल का क्या है, जिसके पास जाएगा, जिसके साथ रहेगा, उसे
उससे महक तो मिलेगी। उफ़, अम्मी एक तो आप और आपकी बातें, मेरी समझ से बाहर। तू तो वैसे ही अकल से पैदल है, ससुराल जाकर क्या करेगी। मुझे समझ आ गई, जो कुछ भाई और भाभी ने किया वो तो बिल्कुल नहीं करूंगी। और आखिर एक माँ अपने बेटे के लिए बहू घर बनाने के लिए लाती है, ना कि घर उजाड़ने के लिए। क्या हुआ, कोई मर गया है क्या? मर तो गए हैं, पर मेरे जज्बात। इस चमन के तो सारे रंग उड़ चुके हैं। तभी तो आई हूँ अपने मालिक के पास, महका दो इस गुलाब को। तुम्हारा तो पूरा मेकओवर करना पड़ेगा। हाँ तो देर किस बात की, कर दो। चलो स्टार्ट। जाओ अब गिरा दो जिस पे बिजलियां गिरानी है। एक्सक्यूज मी, मैं जरा रेस्टरूम से होके। हाँ बिल नहीं देना था तो इस तरह बहाना बनाकर रेस्टरूम जाने की क्या जरूरत थी। देखो नीला, मैं नहीं जानता तुम अभी इस फैसले के लिए तैयार हो या नहीं, और ना ही मैं तुम पर अपना कोई फैसला मुसल्लत करना चाहता हूँ। अगर तुम्हारा जवाब ना भी होगा तो इसका हमारी दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तुम चुपचाप ये रिंग वापस रख कर चली जाना, और अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो तुम्हारी अंगूठी पहनते ही मैं किसी चराग के जिन की तरह हाजिर हो जाऊंगा। सालों बाद ख्याल तो आया। अच्छा, जिस तरह इसने प्रपोज किया ना, दिल चाह रहा है ये अंगूठी ले जाकर मुंह पे मार दूं। थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। माय प्लेजर। अच्छा, बच्चों ने वापसी आते हुए तंग तो नहीं किया ट्यूशन से? अरे बिल्कुल भी नहीं, वो तो खेल कूद कर खा पी कर थक गए थे, और अब मिलकर ना वीडियो गेम्स खेल रहे हैं। वैसे तुम डिनर के बाद, अगर तुम्हें देर भी हो जाए तो कोई बात नहीं,
बच्चे अगर तंग करेंगे तो मैं उन्हें यहीं सुला दूंगी। सो स्वीट ऑफ यू। अच्छा वैसे मैं ये कह रही थी आज वीकेंड है तो तुम डिनर के बाद भाई के साथ लॉन्ग ड्राइव पे चली जाओ। हाँ मेरा प्लान तो यही है वैसे। हाँ तो बस ठीक है, जैसा तुम्हारा प्लान होगा वैसे भाईजान का प्लान होगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा इनके आने का टाइम हो गया, मैं चेंज करने के लिए जा रही हूँ। अगर चेंज करने में मैं जरा सी भी लेट हो गई ना तो सारा प्लान खराब हो जाएगा मेरा। चलो ठीक है, आराम से जाओ और देर से वापस आना, ठीक है ना? ओके अल्लाह हाफिज। चलो ओके खुदा हाफिज। कैसे हो गए, कभी इतना लेट हुए तो नहीं? इन्हें आज ही लेट होना था। आपके मतलूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। लेट कैसे हो गए? इतना लेट तो कभी भी नहीं हुए। घर में इतनी खामोशी क्यों है? बच्चे कहाँ हैं? वो बच्चे रुबीना के घर पर हैं। हालात देखे हैं तुमने? रात के इस वक्त तुमने बच्चों को पराए घर पे भेज दिया, हद होती है लापरवाही की। मैंने समझा कि हम डिनर के बाद उनको ले लेंगे बच्चों को। कौन सा डिनर? ना ही आज किसी की बर्थडे और ना ही कोई त्योहार, तो फिर हम बाहर डिनर की खुशी में करने लगे और वो भी बच्चों के बगैर। मैंने सोचा कि हम थोड़ा वक्त साथ गुजार लेंगे। ओ, तो आपको ख्याल आ ही गया साथ वक्त गुजारने का। आपके सोशल मीडिया और फ्रेंड सर्कल ने आपको छोड़ दिया या फिर आपने उनको छोड़ दिया? क्या हो गया है नबील तुम्हें, कितना बदल गए हो? और से देखो मैं वही सुमेरा हूँ तुम्हारी जिसके पीछे तुम पागल थे। पागल था मैं पहले, लेकिन अब होश में आ चुका। और ये तुमने क्या पहना है? अपनी उम्र देखी और ये चोचले, ये कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा तुम। पहले तो तुम्हें मेरी उम्र, मेरे कपड़ों के रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता था, अब क्यों पड़ रहा है सब जानती हूँ मैं। तुम्हारा बेगम, जब सब कुछ जानती हो तो फिर पूछ क्यों रही? Excuse me. सब जान गई हूँ, सब कुछ जान गई हूँ, सब कुछ मेरी आंखों के सामने होता आ रहा है। मैं ही बेवकूफ थी कि सब चीजों से अनजान बनी रही। वाह, देखने में तो जबरदस्त लग रही है। चलो रिक्वेस्ट भेज के देखते हैं, एक्सेप्ट कर ले। शर्म नहीं आती?
शादीशुदा होने के बाद भी लड़कियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हो? अरे नहीं बेगम, ऐसी ना जाने कितनी रिक्वेस्ट मेरे पास आती रहती है, लेकिन मैं एक्सेप्ट ही नहीं करता। अभी ऑफिस कोलीग थी तो मजबूरी में इसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी पड़ी। देख ले, ये मजबूरी मेरे गले का फंदा ना बन जाए। अरे इतने मुश्किलों से तो मैं आपके गले पड़ा हूँ, अब मैं ऐसे कैसे किसी और को आपके गले में डाल सकता। बस बातें बनवा लो आपसे। जब आप मेरे सामने आती ना तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। खैर बातें तो मैं बनाता रहता हूँ, अगर आप अपने अच्छे अच्छे हाथों से एक कप चाय बना दे तो। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। अम्मी आपकी गर्मा गर्म चाय तैयार है। अम्मी, एक तो अम्मी जैसे ही थोड़ा सा मौसम बेहतर होता है आपकी सुबह की रूटीन आउट हो जाती है। अम्मी 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 आंखें खोले, क्या हुआ आपको? अम्मी 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 उठे ना, अम्मी 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 आंखें तो खोले। प्लीज आज तो फोन उठा ले। अम्मी अम्मी उठे ना। अम्मी क्यों नहीं उठ रही आप? अम्मी उठे ना, आप क्यों आंखें नहीं खोल रही? अम्मी जरूर इनकी माँ किसी नए नंबर से मैसेज कर रही होगी। बस कुछ घंटे रह गए हैं मेरा नाम आपके नाम के साथ जुड़ने में। अरे सुमैरा यार, मेरी घड़ी क्या हो गया? इस टाइम ना दिन के 12 बज रहे हैं और ना रात के, फिर तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बज रहे? बस कुछ घंटे रह गए हैं मेरा नाम आपके नाम के साथ जुड़ने में। ओ अच्छा, तो तुम्हें पता चल गया। सुमैरा तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा सकता। नबील आपको पता है ना आप क्या कह रहे हैं? माय डियर वाइफ, अगर मैं कह रहा हूँ तो मुझे पता होगा ना कि मैं क्या कह रहा हूँ। एक मिनट, लेकिन अबिल आपको पता है मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझसे ज्यादा तुम्हारी पसंद और नापसंद का अंदाजा किसको होगा? तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा वैसा कोई मजाक नहीं करूंगा। अबिल प्लीज मुझे तंग नहीं करें ना, आपको पता है ना मेरी तबीयत बिगड़ जाती है। प्लीज। बिगड़ी तबीयत का तो इलाज मुमकिन है, लेकिन इस जिद्दत के दौर में साइंसदानों से बिगड़ी नियत का इलाज नहीं दरियाफ्त हो सका। अल्लाह करे ये सब झूठ निकले, वरना मेरी तो छाले निकल जाएगी। यार ये घर की शिफ्टिंग भी कितना मुश्किल काम है ना, जान निकलती जा रही है, घर है के सेट होके ही नहीं दे रहा। ये देखो सेंटर है। नहीं नहीं थोड़ा सा राइट। ओके। नबील आपने मुझे ये मकान दिया है, मैं इसे घर बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। हाँ अगर घर छोटा है ना। छोटा है लेकिन अपना है, यहाँ हमें रोकने टोकने वाला तो कोई नहीं है ना। और ना ही हम पर
कोई अपनी मर्जी मुसल्लत कर सकता है। नबील बोलिए जाने। नबील आपको अपने किए हुए फैसले पर अफसोस तो नहीं? अफसोस? कैसा अफसोस? नबील हमने एक दूसरे की खातिर सब कुछ छोड़ दिया। आप वादा करें जिंदगी के इस सफर में कभी मुझे अकेला मत छोड़िएगा। नबील सांस लेना छोड़ सकता है मगर अपनी जान को कभी यूं तन्हा नहीं छोड़ेगा। नहीं नबील, तुमने मेरे साथ जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था, कसमें खाई थी कि तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे। बड़ी मुश्किल से मैंने अपना ये घर बनाया। नहीं नहीं मैं इसे टूटने नहीं दूंगी। ये जो तुम दूसरी शादी करने के बारे में सोच रहे हो ना, ये मैं नहीं होने दूंगी। क्यों नहीं होने दोगी? मैं ऐसा कौन सा गुनाह करने जा रहा हूं? देखो नबी, तुम्हारी जिंदगी का जो भी फैसला होगा उसका असर मेरी जिंदगी पर भी पड़ेगा। सुमेरा, तुम्हारी और मेरी जिंदगी इसी तरह चलती रहेगी जिस तरह चल रही है। मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ, तुम्हें छोड़ तो नहीं रहा। मेरा दीन, मेरा माशरा मुझे दूसरी शादी करने की इजाजत देता है। लेकिन मैं नहीं देती। हमारे मुल्क के आईन के मुताबिक तुम मेरी मर्जी के बगैर दूसरी शादी नहीं कर सकते। क्यों नहीं दोगी इजाजत? मैं तुम्हारा खर्चा उठा तो रहा हूँ और वैसे भी मैं दूसरी शादी करने की हैसियत रखता हूँ। कोर्ट तक जाऊंगी मैं कि तुम्हें दूसरी शादी नहीं करने दूंगी। कोर्ट तक जाओ, जाओ। कोर्ट तक जाने का भी शौक पूरा कर, लेकिन एक बात याद रखो, मैं भी कोर्ट तक जाऊंगा और अगर कोर्ट ने मेरी दूसरी शादी तुम्हारी मर्जी से मशरूत की तो फिर मैं पहले तुम्हें तलाक दूंगा और फिर शादी करूंगा। लेकिन शादी तो मैं कर ही रहूंगा। इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हो? फैसला तो मैं कर चुका हूँ, अब बस सिर्फ उस पर अमल करने चाहो। तुम अगर साथ रहोगी तो खुशी होगी और अगर अलग रहना चाहो तो तुम्हारी मर्जी। मैं वैसे भी हमेशा से तुम्हारे फैसले पे लबैक कहता रहा। और हाँ, खर्चे की तुम फिक्र मत करना, वो तुम्हें मिलता रहेगा चाहे तुम मेरे निकाह में रहो या ना। भाभी, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो मैंने उन्हें मेडिसिन दी थी, वो सो रही हैं। वो उठें तो आप उन्हें खाना दे दीजिएगा। मेरी क्लास का टाइम हो गया, मैं जा रही हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। मुझे पूछे जिनको खाने के लिए दीदी ने सुबह सुबह नाटक शुरू हो जाते हैं इनके। मैं यहाँ रानी बनने के ख्वाब देख रही हूँ और ये लोग मुझे नौकरानी बनाना चाहते हैं। मैं भी देखती हूँ कैसे। नबील की कॉल, जरूर मेरी याद आ रही होगी। हेलो सुमेरा, मेरी अम्मी की तबीयत ना रात से खराब है, डॉक्टर ने उन्हें नरम गजाएं खाने को कहा है। हाँ हाँ, तो मैंने ना फ्रिज में चिकन ला के रख दिए। तुम एक काम करना, उन्हें सूप बना के दे देना जब वो सो के उठे। अरे नबील आप बेफिक्र रहें, मैं सुबह से जब से उठी हूँ ना उन्हीं के काम कर रही हूँ। वो सिर्फ आपकी अम्मी नहीं है, मेरी भी अम्मी। मेरा भी तो कोई फर्ज बनता है ना उनकी तरफ। आप बेफिक्र रहें, आप बाहर का काम देखें, मैं घर देखती हूँ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। मैं कोशिश करूँगा पूरी जल्दी घर आने की। अम्मी को सूप यहाँ से पिला दें। ठीक है,
अल्लाह हाफिज़। दिन शुरू होता नहीं है, माँ बेटी के ड्रामे शुरू हो जाते हैं। मेरा नाम भी सुमेरा है, अगर अभी से तुम लोग को कंट्रोल नहीं किया ना, तो मेरा खावन भी मुझसे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। सूप है और क्या है? ये कैसा सूप है बेटा? ना इसमें नमक ना मिर्च, पानी उबला हुआ है। वैसे भी बदबू भी आ रही है। जो है जैसा है यही है। मुझे पहले नबील बता देते तो मैं चाइनीज क्लासेस ले लेती। सूप बनाने के लिए क्लासेस की नहीं, गृहस्थी की जरूरत होती है। इसमें ना नमक है ना मिर्च, बीमारी में वैसे ही मुंह का जायका खराब होता है। अम्मी, मुझे जैसा बनाना आता था मैं आपके लिए बना के ले आई। आप गुस्सा नहीं करें, मैं दूसरा सूप बनाकर ले आती हूँ, उसमें नमक मिर्च भी डाल दूंगी। क्या हो गया, क्या मसला है? कुछ नहीं नबील, वो बस अम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो वो चिड़चिड़ी हो गई है। नहीं बेटा, मैं तो ऐसे ही उससे बात कर रही थी, पता नहीं किस बात पे चिड़चिड़ी कह गई। अम्मी आप बैठे, मैं सुमेरा से बात करता हूँ। सुमेरा, एक तो अम्मी की तबीयत वैसे ही खराब है, ऊपर से तुमने उन्हें सूप के नाम पर ये फीकी यखनी दे दी। ठीक है नबील, मैं मानती हूँ कि उन्होंने कभी भी मुझे अपनी बेटी नहीं समझा, लेकिन मैंने हमेशा उनको माँ का दर्जा ही दिया है। वो हाई ब्लड प्रेशर की मरीज हैं, नमक मिर्च मसाले कैसे खिला दूँ मैं उन्हें? मेरा ज़्यादा मसाले मत डालो, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो डालो। जी चख के देखें फिर बात कीजिए। नबील, मैंने कहा था ना आपको कि मैं आपके खानदान की नहीं हूँ, आपकी वालदा मुझे कभी भी कबूल नहीं करेंगी, बस आपसे मोहब्बत करने की सज़ा काट रही हूँ। नहीं सुमेरा, अब तुम्हें मज़ीद ये सज़ा नहीं काटनी पड़ी। वैसे भी मैं तंग आ गया हूँ इन रोज़ रोज़ के झगड़ों से। हमारे ऑफिस वाले गवर्नमेंट हाउसिंग स्कीम के तहत लोन दे रहे हैं और बहुत जल्दी हम अपने नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। नबील, छोटी छोटी बातें तो हर घर में होती रहती है ना, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम घर वालों को छोड़ दें। सुमेरा, जब अपने ही अपनों का साथ ना दें तो फिर फायदा क्या ऐसी छत के नीचे रहने का? हाँ, लेकिन फिर भी आपको अपने फैसले पर नज़रसानी करनी चाहिए। सुमेरा, मैं फैसला कर चुका हूँ तुम्हारे साथ अपनी सारी ज़िंदगी गुजारने का, तुम्हारे साथ रहने का। वैसे भी सारी उम्र वालदैन के साथ कौन रहता, एक ना एक दिन तो अलग होने का कदम उठाना ही पड़ता है, तो फिर क्यों ना हम अपनी खुशी के खातिर ये कदम आज ही उठा लें। बड़ी चाह थी ना तुम्हें मेरा अपना घर बनाने की, पर तुम भूल गई थी कि किसी के घर की छत गिराकर अगर तुम उसके मलबे में अपनी चारदीवारी बनाओगी तो बचेगी वो भी नहीं। बकौल तुम्हारे भाई तो तुम्हारी मुट्ठी में थे,
तो फिर ये सब कैसे हुआ? जिस घर की छत को बनाने में मैंने अपनी पूरी तवानाई लगा दी, उस घर की दीवारें रेत की निकली और देखते ही देखते मेरा हंसता बसता घर टूट गया। तुम एक काम करो, उनसे अकेले में बात करो। तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की होगी? अब मुझ में हिम्मत नहीं है, मैं टूट चुकी हूँ। तुम हिम्मत नहीं हारो, अगर भाई तुमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है तो तुम उनके घर वालों से बात करो ना। कोई क्यों सुनेगा मेरी, जबकि पिछले कुछ अरसे से हम लोग खुशी और गम में ही मिल रहे हैं। तो पागल, यही तो मौका है तुम्हारे पास सबकी हमदर्दियां लेने का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देख लें भाई, मैंने आपको बिल्कुल भी इंतजार नहीं करवाया, बिल्कुल वक्त पर आई हूँ मैं। जी नहीं मैडम, आप पूरे 5 मिनट और 31 सेकंड। आप तो भाई बहुत सच बोलने के आदी। खैर, मैं अब इतना सच भी नहीं बोलता, कभी कभी झूठ भी बोल लेता हूँ, लेकिन मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। ऐसा क्यों? क्योंकि अनिला मोहब्बत बांटने से बढ़ती है और छुपाने से खत्म तो नहीं, खैर कम जरूर हो जाती है। और मैं तुम्हारे साथ मोहब्बत को बढ़ाना चाहता हूँ, उसे खत्म या कम नहीं करना चाहता किसी भी कीमत पर। किसी भी कीमत। खैर, इस बात का अंदाजा तो मुझे उसी वक्त हो गया था जब आपने मुझे अपनी पहली बीवी और बच्चों के बारे में बताया था, और यही सच्चाई मुझे आपकी बहुत पसंद आई थी। तो इसका मतलब है कि जनाब को हम पसंद नहीं है। वैसे पसंद तो बदलती रहती है, जैसे सुमेरा के होते हुए मैं आपकी जिंदगी में आ गई, इसी तरह मेरे बाद कोई और भी आ सकता है। तुम्हारे बाद मेरी जिंदगी में कोई नहीं आया। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में क्यों आई। भाई मैं तो तुमसे इंप्रेस हो गई, सोच रही हूँ तुमसे क्लासेस ले लूँ। क्लासेस? कैसी क्लासेस? अब देखो ना, एक साल होने को है और मैं अपने मायके में हूँ। मेरा शौहर है जिसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसे सिर्फ फर्क पड़ता है अपनी माँ और भाइयों से। और दूसरी तुम हो जिसने चुटकी बजा के भाई से सब कुछ छुड़वा दिया। वैसे कैसे किया तुमने ये सब? अगर मर्द के दिल पर राज करना है ना, तो उसकी रानी बनकर रहो, जैसा वो कहे वैसा ही करो, लेकिन अपने तरीके से। फिर तुम देखना, वो सब करेगा जो तुम चाहते हो। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मतलब ये कि नबील साहब को बहुत शौक था कि मैं उनके घर वालों के आगे पीछे घूमूं, उनकी जबान हिलने से पहले ही उनके सारे काम कर दूं। ऐसा तरीका अपनाया कि उनकी वालदा मुझे खुद ही कामों के लिए मना कर दिया करती थी, बस उसी का फायदा उठाया मैंने। सुमेरा मेरे साथ अलग घर बसाना चाहती थी, मगर उसकी अलग घर की ख्वाहिश ने मुझे मेरे घर वालों से मुझे अलग कर दिया। उसने मेरी अम्मी और बहन के नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिए। वो तो जब मेरी अम्मी की तबीयत खराब हुई तो मेरी नेबर्स ने मुझे फोन करके बताया, तब मुझे पता चला सुमेरा की अलग घर की ख्वाहिश ने हम दोनों को भी अलग कर दिया। सुमेरा ने मेरी ज़िंदगी बनाने के बजाय मेरी ज़िंदगी बिगाड़ दी। अगर तू मेरी ज़िंदगी में नहीं आती तो शायद मैं जिंदा नहीं रहता। अजीब खेल है ना किस्मत का भी। मैं अपने वालदैन की वफ़ात के बाद बिल्कुल अकेली रह गई, और आप शादीशुदा होते हुए भी बिल्कुल तन्हा। इमोशनल बातें बहुत हो गई, वैसे हम शायद डिनर करने के लिए मिले थे, तो चलें डिनर? हाँ चलें, मैंने कब मना किया। चुप हो जाएं, ये लें पानी पिए, पानी पी लें, भाभी पी लें। अम्मी आप प्लीज बात करें ना भाई से,
बेटा पहली बात तो ये है कि वो मुझे कुछ समझता ही नहीं है। दूसरी बात ये कि वो दुनिया और दुनियादारी मुझसे ज्यादा समझने लगा है। मम्मी मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, मैं माफी मांगती हूँ। प्लीज आप एक बार नबील से बात करें, मेरा घर टूटने से बचा ले। क्यों? ऐसा सिर्फ तुम कर सकती हो। बेटा, मैंने सिर्फ सुना था कि हम जो बोते हैं वही काटना पड़ता है, और तुम्हें देख के इस बात का यकीन हो गया कि मकाफाती अमल की चक्की में हम सबको एक ना एक दिन पिसना पड़ता है। भाभी, भाई आपके लिए हमें छोड़कर गए थे और आज वो किसी और के लिए आपको छोड़ रहे हैं। हमें प्लीज, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। आप एक बार नबील से बात करें, हम सब एक साथ रहेंगे, एक छत के नीचे। आप जैसा बोलेंगी मैं वैसा करूंगी। प्लीज एक बार नबील से बात कर लें, प्लीज। भाभी आप कैसी बातें कर रहे हैं? भाई तुमसे बात तक नहीं करते, हमारा फोन तक नहीं उठाते, हम उसे कैसे बात कर सकते? मेरे मोबाइल के साथ क्या छेड़छाड़ कर रही हैं? अगर आपकी सौतन का फोन या मैसेज आ गया तो? मेरी सौतन मैं ही हूँ, और जब तक मैं आपकी जिंदगी में हूँ कोई नहीं आ सकता। अरे हमारे दरमियान कोई ना आए इसलिए तो तुम्हें लेकर सबसे अलग हो गया था। मुबारक हो आप दोनों कानूनी लिहाज से शक मियां बीवी हैं। नबील, तुम्हारा मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें अलग घर लेके दूंगा। आज मैं अपना वो वादा पूरा कर, ये इस घर की फाइल है, ये घर तुम्हारा ही रहेगा। अनीला को मेरी अम्मी और बहन के साथ रहने में कोई एतराज नहीं, मैं अनीला के साथ वहीं पे शिफ्ट हो रहा हूँ। मेरी बात तो सुनो। सुमेरा, ये सब तुमने सिर्फ इस घर के लिए किया था ना, तुमको ये घर बहुत बहुत मुबारक हो। मैं तुम्हारा हर तरह का खर्चा उठाने को तैयार हूँ। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तुम्हें तलाक देता हूं। नबील, नबील, नबील।